जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, 1522 वैकेंसी 2020 की आप लोग की वैकेंसी थी। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे फिजिकल के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद ट्रेड, ट्रेड के बाद मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन फिजिकल स्टार्ट होने में काफी लंबा समय आप लोग का यहाँ पे लगा। ड्राइवर वालों के फिजिकल लिए गए, उसके बाद अभी जो है अदर ट्रेड वालों के फिजिकल चल रहे हैं। जी, वेटनरी वालों के फिजिकल फिनिश हो चुके हैं, कुक वाटर कैरियर वगैरह के फिजिकल यहाँ पे चल रहे हैं, और इसके बाद आप लोग स्वीपर के फिजिकल होते हुए मार्च 2023 तक आप लोग के फिजिकल यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। काफी कैंडिडेट है जिन्होंने के फिजिकल यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनके की फिजिकल अभी यहाँ पे होने वाले हैं। तो यदि आप लोग के फिजिकल अभी होने वाले हैं तो फिजिकल पे पूरा ध्यान रखिए, लेकिन रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। यदि आप लोगों ने एग्जाम फिजिकल निकाल लिया है तो भी, नहीं निकाला है तो भी आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि फिजिकल आप सभी लोगों को कंप्लीट करना है। काफी लंबा समय आप लोगों को यहां पे मिला हुआ है। 4.8 किलोमीटर की आप लोग की रनिंग है। मेल कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, फिजिकल सभी को क्लियर करना है और रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की जानकारी मैंने आप लोग को दी हुई है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे आने वाली है। 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के होने वाले, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का आप लोग का पेपर होगा, कोई माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होने वाली है। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोगों को इसमें कवर किया हुआ, 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। रिटर्न एग्जाम के अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आज मैं आप लोग के अपने इस वीडियो में लेने वाला। सर हमने फिजिकल दे लिया है, या फिर सर हम फिजिकल देने वाले हैं, तो क्या सर हमारा रिटर्न एग्जाम का सेंटर भी वही रहेगा जहां हमने फिजिकल दिया है? सर हमारा ट्रेड टेस्ट कहाँ होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा? तो देखिए, सभी क्वेश्चंस मैं आप लोग के एक वीडियो में नहीं ले सकता, लेकिन कहाँ क्या क्या होगा इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी के आंसर आप लोग को मिलते रहेंगे, सही और सटीक जानकारी आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, भर्ती देखो, वहां जाकर के आप लोग सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने जहां पे रिटर्न फिजिकल दिया था, क्या सर वहीं पे हमारा रिटर्न एग्जाम भी होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। जहां आपने जिस एसएसबी के जिस सेंटर पे जाकर के आप लोगों ने फिजिकल दिया, वहां आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, ठीक है? रिटर्न एग्जाम सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोग के स्कूल कॉलेज हायर किए जाएंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज में आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सेंटर आप लोग का कौन सा रहेगा ये डिपेंड करता है एसएसबी पे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जहां पे फिजिकल दिया है वहीं आप लोग का जो है, जो भी नियरेस्ट स्कूल कॉलेज वगैरह हो सिटी वगैरह में, वहां आप लोग का जो है फिजिकल का मीन्स रिटर्न एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोगों ने यूपी में 2 जगह 3 जगह आप लोगों ने फिजिकल दिए, तो ऐसा नहीं कि तीनों जगह आप लोग के जो है रिटर्न एग्जाम का सेंटर पड़े, हो सकता है 2 जगह ही पड़े। चाहे जैसे लखनऊ हो गया है, आपने गोरखपुर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आप लोग के स्कूल कॉलेज मिले, ठीक है? तो लेकिन ये कंफर्म है एसएसबी के सेंटर्स वहां पे होंगे, और उसके नियरेस्ट ही जो आप लोग के स्कूल कॉलेज होंगे वहीं आप लोग का सेंटर पड़ेगा, और जो आप लोग का सेंटर पड़ेगा वो आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं होने वाला, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आपने जहां पे जिस शहर में जिस जगह पे आपने फिजिकल दिया है वहीं के आसपास जो स्कूल कॉलेज है वहां पे आप लोग के सेंटर पड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपने फिजिकल दिया है जिस सेंटर पे एसएसबी के, वहां आपका रिटर्न नहीं होना, रिटर्न आप लोग का स्कूल कॉलेज में होना है। और जहां भी आप लोग का जो भी स्कूल कॉलेज आप लोग को दिया जाएगा वो आप लोग के नियरेस्ट ही होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। और ये पॉसिबिलिटीज है कि जिस जगह पे जाकर के आपने फिजिकल दिया है उसी शहर में उसी जगह में सिटी में आप लोग का जो है स्कूल कॉलेज में फिजिकल हो रिटर्न एग्जाम हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर है आप लोग को। अब इसके अलावा ट्रेड टेस्ट की बारी। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट को लेकर के स्टूडेंट परेशान है, सर ट्रेड टेस्ट कहाँ होगा? चलिए, अच्छी बात है, आप लोग जो है पूरे प्रोसेस को जानना चाहते हैं और पूरे प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2023 आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ,
यदि आप लोग सही सभी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब कि तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छी है और सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के यहाँ पे रहेंगे रहेंगे रहेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं अभी ट्रेड टेस्ट की जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को मेडिकल की भी आप लोग जो है प्रोसेस को देखते रहिए। यानी कि मेडिकली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आप लोग को लग रही है, तो आप लोग जो है उसको क्योर करने की कोशिश करें, ठीक है, उसका मेडिसिन लें, उसके इलाज आप लोग करवाएं प्रॉपर तरीके से। क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आप लोग सर्च कीजिए, किस तरीके से दूर किया जाता है, नियरेस्ट डॉक्टर से आप लोग मिलिए, ठीक है, डॉक्टर से जाकर के आप लोग उसका इलाज करा सकते हैं, चाहे वो आईज से रिलेटेड हो, ईयर से रिलेटेड हो, नोज से रिलेटेड हो, टीथ से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रकार की आप लोग की फ्लैट फूट है, या फिर आप लोग नॉकनी वगैरह है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोग को आने वाले समय में जानकारी मिलेगी, और आप लोग जानकारी लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, इलाज कराइए, आप लोग को बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन आप लोग का होगा, समय आप लोग के पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट ए टाइम आप लोग को कोई चीजें पता चले हो और आप लोग जो है उस चीज का इलाज नहीं करा सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें हैं आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नियरेस्ट आप लोग के जो भी जिला अस्पताल वगैरह है वहां पर जाके आप लोग चेकअप करा सकते हैं, आईज वगैरह का कोई बहुत ज्यादा खर्चा आप लोग का नहीं रहेगा, 2 रुपए की पर्ची कटेगी, पर्ची कटा के आप लोग अपनी आईज की जांच करा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आप लोग जो है इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर टीथ दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने जानकारी इतनी दी, आप आ रही थी आपकी ट्रेड टेस्ट की, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट थी सर, ट्रेड टेस्ट कहाँ होंगे, तो देखिए ट्रेड टेस्ट आप लोग का जो है रिटन एग्जाम के बाद होगा, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद 20 टाइम यानी 20 गुना बच्चे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट को बुलाए जाएंगे, और इस बार जो है कंपटीशन कम रहने वाला है, जो न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की निकली हुई है उनसे बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पे आप लोग का देखने को मिलेगा, काफी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, और रिटर्न एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या ही काफी कम है, और उसमें भी 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, 50 नंबर का आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, और 60% आप लोग को पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, फिर चाहे आप लोग जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, इससे कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली है, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके नंबर आप लोग के ऐड नहीं होंगे, सिलेक्शन आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे ही होता है। अब बारी आती है सर रिटन ट्रेड टेस्ट कहाँ होगा, तो देखिए ट्रेड टेस्ट आप लोग का उसी सेंटर पे होगा जिस सेंटर पे आप लोगों ने फिजिकल दिया है। जी हाँ, जिस एसएसबी के सेंटर पे आप लोग का फिजिकल पड़ा है वहीं पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, पूरी पूरे चांस है, जी हाँ होना ही चाहिए और होगा, हो सकता है यदि किसी का सेंटर चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट आपका ट्रेड टेस्ट का सेंटर वही रहेगा और रहना भी चाहिए जहां आप लोगों ने फिजिकल दिया है, ठीक है, तो फिजिकल ट्रेड टेस्ट एक जगह, लेकिन आप लोग का जो रिटन एग्जाम का सेंटर अलग रहेगा अलग रहेगा अलग रहेगा, क्योंकि वो होगा आप लोग का स्कूल कॉलेज में, और ये पॉसिबिलिटीज है जहां आप लोगों ने फिजिकल दिया है उसी के आसपास जो शहर में स्कूल कॉलेज है वहां पे पड़ जाए, या फिर सुविधा के अनुसार एसएसबी जैसा भी आप लोग को सेंटर दे, ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आप लोग को दे दी है मैंने। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, जी हाँ जानकारी देता रहूंगा, कमेंट करते रहिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आप लोग से चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर जरूर, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए ला सकते, थैंक यू।